वो कहते हैं ना कि आप कितने भी अच्छे हों, आप कितने भी गुणवान हों, आप हर व्यक्ति के लिए अच्छे नहीं हो सकते। एक बार भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठकर साधना कर रहे थे। वहीं पर एक व्यक्ति आया, उसने भगवान बुद्ध को देखा और गालियां देना शुरू कर दिया, अपशब्द बोलना शुरू कर दिया, अपमान करना शुरू कर दिया। उसके बाद भी भगवान बुद्ध पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब उस व्यक्ति ने देखा प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है, तो उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। और भगवान बुद्ध ने जब उस व्यक्ति को देखा तो प्यार से कहा कि बता वत्स, बता पुत्र, तू क्या चाहता है। इस बात को देखकर उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से एक प्रश्न किया, मैंने आपका इतना अपमान किया, इतना खरा खोटा सुनाया आपको, इतनी गालियां दी, यहां तक कि आपके चेहरे पर थूक दिया, उसके बाद भी आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे मस्तिष्क का पूरा कंट्रोल मेरे पास है, क्या तुम्हारे गाली देने पर, क्या तुम्हारे अपशब्द बोलने पर वो कंट्रोल मैं तुम्हारे हाथ में दे दूं? अब क्या तुम निर्धारित करोगे मुझे गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? मेरे मस्तिष्क का कंट्रोल मेरे पास है, ये निर्णय मुझे लेना है कि मुझे गुस्सा आएगा या नहीं आएगा। तुम्हारे अपशब्द मैंने लिए ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किए, तो मुझे गुस्सा कैसे आ सकता है? हम में से बहुत सारे लोग लाइफ में बहुत जल्दी ना एग्रेसिव हो जाते हैं। जरा सा कोई कुछ बोल दे, गलत बात बोल दे, उल्टा सीधा बोल दे, गाली दे दे, या आपके मन के खिलाफ कोई काम कर दे, तो आपका जो खून है ना खौल उठता है, आपको गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब आपका आपके मस्तिष्क पर पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं है। वो कंट्रोल तो उस व्यक्ति के हाथ में है, वो जब चाहे ट्रिगर दबाकर आपको गुस्से में ला सकता है, जब चाहे ट्रिगर दबाकर आपको अपसेट कर सकता है। इसीलिए ध्यान रखिए, अपने मस्तिष्क का कंट्रोल अपने पास रखिए, एकाग्रचित रहिए और ये कंट्रोल कभी किसी को मत दीजिए। एक बार एक व्यक्ति एक गुरुजी की शरण में आया और गुरुजी से बात करने लगा। गुरुजी ने देखा उसकी बात में बड़ी मायूसी है, बड़ी एक दुविधा सी है कि वो जीवन में क्या करना चाहता है या सच में उसको वो प्राप्त हुआ है नहीं जो वो प्राप्त करना चाहता है। गुरुजी ने कहा, पूछो बेटे तुम्हारे मन का क्या प्रश्न है। उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, वास्तविकता में मेरी जितनी काबिलियत है ना, मुझे उससे हमेशा कम मिला है। आज मेरे पास ये होता, आज मेरे पास वो होता, आज मैं यहाँ होता, आज मैं वहाँ होता, आज मैं इतना शक्तिशाली होता। उसकी सारी बात को ध्यान से सुनने के बाद गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहा कि बेटा मेरी एक बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, आप अपने जीवन में ठीक वही हैं जहाँ आपको होना चाहिए था, ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे। हर व्यक्ति की ना एक काबिलियत होती है, और ये बहुत कड़वा सच है कि हर व्यक्ति केवल उतना ही हासिल कर पाता है जितनी उसकी काबिलियत होती है। अगर कड़वे शब्दों में कहूँ, एक व्यक्ति कभी भी अपनी औकात से ज़्यादा चीज़ें हासिल नहीं कर पाता। अगर आप बहुत अपार सफलता हासिल करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आप वो चीज़ें हासिल कर पाएंगे जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए निरंतर प्रयास करते रहें, अपार मेहनत करें, तो सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। अकबर बीरबल की कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होगी। एक बार की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और किसी बात को लेकर बहुत खुश थे। और आप जानते हैं कि राजा जब खुश होता है तो उसके मंत्री भी खुश होते हैं। लेकिन बीरबल बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, और बीरबल को शांत देखने के बाद राजा के मन में एक उत्सुकता हुई कि भाई मैं इतना खुश हूँ, मेरे सारे मंत्री इतने खुश हैं, उसके बावजूद भी बीरबल तुम्हारे चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई घबराहट नहीं, ऐसे कैसे जैसे कोई प्रभाव ना पड़ा हो। तो बीरबल ने कहा कि राजा साहब, मुझे इन परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन में खुशी और गम तो निरंतर आते जाते रहते हैं। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, भाई मेरे जीवन में खुशी का माहौल है और तुम परेशान बैठे हो या बिल्कुल निष्क्रिय बैठे हो। तो बीरबल ने कहा कि राजा साहब, मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ कि अगर आप खुश हो गए तो आपकी खुशी गम में बदल जाएगी, और अगर आपके मन में गम होगा तो वो गम खुशी में बदल जाएगा। उसने कहा, ऐसी कौन सी घटना, ऐसी कौन सी बात है, बताओ मुझे। तो बीरबल ने कहा कि जब भी आप खुश हों तो एक बात को ध्यान रखिएगा, या जब भी आप दुखी हों, गम में हों, तो एक बात को ध्यान रखिएगा कि ये वक्त गुजर जाएगा। आज आप जिस भी परिस्थिति में है ना, वो परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहने वाली है, ये परिस्थिति बदल जाएगी। इसीलिए ना कभी अपनी खुशी में बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होना है और ना गम में बहुत ज़्यादा डूब जाना है। ध्यान रखिएगा, ये वक्त गुजर जाएगा, नई परिस्थिति आपके सामने होगी। एक युवा ने गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी, जीवन में सफलता की क्या परिभाषा है? तो गुरुजी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि भाई सफलता की अपनी खुद की कोई परिभाषा नहीं होती,
अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्य को अगर आप हासिल कर लें तो आप सफल हैं, नहीं तो आप असफल हैं। एक व्यक्ति जिसने जीवन में पुलिस में सिपाही भर्ती होने का लक्ष्य बनाया था और वो सिपाही लग गया तो वो सफल है, लेकिन एक व्यक्ति जिसने यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के बाद आईपीएस ऑफिसर बनने का लक्ष्य बनाया था लेकिन वो स्टेट एग्जाम को क्लियर करके केवल एसएचओ बन गया तो वह असफल है। दुनिया की नज़रों में तो एसएचओ सफल है, लेकिन उससे यदि पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि मैं अपने जीवन में अपने बनाए लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाया, मैं सफल नहीं हो पाया जो मैं बनना चाहता था। कहीं तो एक सिपाही बनकर सफल है, कहीं एक एसएचओ बनकर भी सफल नहीं है। तो इसका मतलब यही है, अगर आपने अपने लक्ष्यों को हासिल कर लिया तो आप सफल हैं, नहीं तो आप असफल हैं।